जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नारायण चौधरी ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही, इसके लिए वो नाराज हैं और पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गत दो दिन पहले जहानाबाद में जो घटना हुई, जो रेप हुआ, जिस तरह से दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहा है, दलित आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को धमकाया जा रहा है तलवार बांट करके और चुन चुन करके औरंगाबाद में उनके घरों को, दुकानों को जलाया गया, एक एक करके जो घटनाएं घट रही है वो बहुत ही निंदनीय है, दर्दनाक है, जिस पर मैं बराबर ध्यान जाएंगे लेकिन इसके बारे में कोई विचार नहीं। छात्रों की छात्रवृत्ति को समाप्त करके क्रेडिट कार्ड में बदल दिया गया, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, आउटसोर्स में जो बहाली हो रही है बैकलॉग को खत्म करके आउटसोर्स पर अनुबंध पर बहाली हो रही है, ये सबसे आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में हमने अपना त्याग पत्र। व्यूटू आपको बता दें कि नेता नारायण चौधरी ने कहा कि वो उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो बीजेपी और जदयू से दूर रहेगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।